लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 27 नए मामले कर्नाटक से सामने आए हैं, जहां पर एक साथ नए वेरिएंट के 27 मामले सामने आने से कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मच गया। वहीं 27 नए मामले सामने आने के बाद कर्नाटक में अब JN.1 वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, जिसमें 20 मरीज बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं, जबकि 4 संक्रमित मरीज मैसूरु के हैं। उधर मांड्या में भी 3 लोगों के कोरोना के नए वेरिएंट के पॉजिटिव होने की जानकारी मिल रही है। और वही कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है, देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में इस वक्त JN.1 से 90 लोग संक्रमित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक से सामने आए हैं, वहां पर 35 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है, और ऐसे में सभी को सुरक्षित रहने की और तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। JN.1 वेरिएंट से कर्नाटक में फिलहाल दहशत मची हुई है, क्योंकि यहां पर 35 नए मामले इस वेरिएंट के सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और ओमिक्रॉन के स्ट्रेन से निकला हुआ JN.1 वेरिएंट बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट के देश में कितने मामले और कौन कौन से राज्यों में किस किस जगह पर पैर ये पसारता चला जा रहा है, जानकारी उसके बारे में। देश में 90 लोग फिलहाल इस वेरिएंट से संक्रमित बताए जा रहे हैं। कर्नाटक से 35 मामले सामने आए, जो कि डरा रहे हैं। देखिए, JN.1 वेरिएंट के 35 मामले जो कर्नाटक में, वहीं गोवा में 34 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, ये अहम जानकारी। तो कर्नाटक, उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, यहाँ पर 9 मरीज मिले हैं। केरल में 6 मरीज मिले हैं JN.1 के। इसके अलावा तमिलनाडु में 4 लोग इसी वेरिएंट से संक्रमित बताए जा रहे हैं। उधर तेलंगाना में 2 लोगों में ये वेरिएंट मिल चुका है। तो कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है, और खासकर केरला की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गोवा की बात करें, तो वहां हालात अभी ज्यादा चिंताजनक लग रहे हैं। आत्मनिर्भरता। लेकिन इस मुद्दे पर मचे सियासी बवाल के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति की नकल उतार दी। कल्याण बनर्जी बंगाल के हुगली में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए, और इसी दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उन्होंने जैसे ही धनखड़ की नकल उतारी, लोग ठहाके लगाने लगे, तालियां बजी। मंच पर बैठा एक शख्स तो खुद को रोक ही नहीं पाया, वो तालियां बजाते हुए हंसने लगा। ठहाकों के बीच कल्याण बनर्जी ने धनखड़ की नकल जारी रखी, वो उनकी मिमिक्री करते रहे।